वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर न्यू वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी इज अ सेम टू द टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी, बट देयर इज अ ट्विस्ट। और ये ट्विस्ट ये है कि टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी में इनसॉल्युबल एंटीजन होते हैं और टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी में सॉल्युबल एंटीजन होते हैं। And mainly IgG and IgM are involved in it. So what happen in this type 3 hypersensitivity? There is always immune response with antigen is there. तो हम अभी देखेंगे डायग्राम के मदद से हम समझेंगे आसानी से टाइप 3 hypersensitivity. तो जब हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर होता है, एंटीबॉडी उसको बाइंड होकर एक इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। There is formation of immune complex. और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद कोई भी सेल की सरफेस पे डिपॉजिट होता है एंड इट मेनली डिपॉजिट ऑन द एंडोथेलियल लाइनिंग्स, जॉइंट लाइनिंग्स एंड ग्लोमुलर लाइनिंग्स। ये ग्लोमुलर लाइनिंग यानी वो ग्लोमुलर नेफ्रॉन्स की लाइनिंग पे जो सेटल होता है, एंडोथेलियल यानी कोई भी ऑर्गेन की लाइनिंग पे सेटल होता है, और जॉइंट लाइनिंग यानी हमारे जॉइंट्स, मूवेबल जॉइंट्स की लाइनिंग पे सेटल होता है। तो सेटल होने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? सेटल होने के बाद वो कॉम्प्लीमेंट को अट्रैक्ट करता है। कॉम्प्लीमेंट अट्रैक्ट होता है जैसे C3, C5A, ये कॉम्प्लीमेंट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जब इम्यून कॉम्प्लेक्स के पास कॉम्प्लीमेंट अट्रैक्ट होते हैं तो एक कॉम्प्लीमेंट कैस्केड रिएक्शन होती है, और हम सब जानते हैं कि कैस्केड रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है लाइसिस। तो यहाँ पर जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है तो न्यूट्रोफिल भी अट्रैक होते हैं, और जब न्यूट्रोफिल अट्रैक होंगे तो एंजाइम्स और साइटोकाइन रिलीज होते हैं जो इन्फ्लेमेशन करते हैं। और आप स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझिए कि जब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स हमारे जॉइंट में डिपॉजिट होगा तो हमारे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगा, और इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से ओल्ड एज पीपल में आर्थराइटिस नाम की बीमारी होती है। वॉट इट कॉज? इट कॉज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जॉइंट लाइनिंग पे बैठा है और वहां पर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होने की वजह से न्यूट्रोफिल इन्फ्लेमेशन करेंगे। न्यूट्रोफिल के इन्फ्लेमेशन की वजह से जॉइंट्स मूव नहीं कर पाएंगे, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो उसका लाइसिस कर ही देंगे वो इम्यून कॉम्प्लेक्स का। और एंटीजन का लाइसिस होने के बाद हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन वापिस उसका फंक्शन करने चला जाएगा। तो ये था टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत ही फेमस है, वो है आर्थस रिएक्शन। व्हाट इज दिस आर्थस रिएक्शन? ये आर्थस रिएक्शन डिस्कवर किया था साइंटिस्ट आर्थर ने 19th सेंचुरी में। तो ये जो 19th सेंचुरी में आर्थस रिएक्शन आर्थस ने देखा था रैबिट में। तो ये कैसी होती है स्टूडेंट्स? जब हम कोई भी वैक्सीन लेते हैं, जैसे कि हमने ले ली डिप्थीरिया की वैक्सीन, तो ये डिप्थीरिया की वैक्सीन क्या है? ये एक एंटीजन है जो उसका फंक्शन भूल गया है, यानी कि वो बैक्टीरियल सेल होते हैं, न्यूट्रलाइज बैक्टीरियल सेल होते हैं जो एंटीजेनिकली एक्टिव होते हैं पर वो इन्फेक्शन नहीं करते, तो हम उसे एंटीजन कंसिडर करेंगे। तो ये एंटीजन वैक्सीन के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर होता है और हमारे सेल इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाकर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड देन एक्टिवेशन ऑफ द कैस्केड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कैस्केड में C3A और C5A दोनों आ जाते हैं, और दोनों के आ जाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? देयर इज एक्टिवेशन ऑफ द मास सेल। मास सेल क्या करेंगे? जैसे कि टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी में करते हैं डीग्रेनुलेशन, और डीग्रेनुलेशन होने के बाद ये रिलीज करेंगे वैसो एक्टिव अमाइन, और जो वैसो एक्टिव अमाइन स्मूथ मसल, ब्लड वेसल, एंडोथेलियल लाइनिंग यहाँ पर जाकर डिपॉजिट होंगे, और इनके वजह से एक और सेल एक्शन में आता है, और वो सेल है हमारा न्यूट्रोफिल सेल। तो ये न्यूट्रोफिल सेल क्या करेगा स्टूडेंट्स? न्यूट्रोफिल सेल जाएगा वो साइट पे जहां पर होगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स,
एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, के कॉम्प्लीमेंट ने अगर उसे मार दिया तो न्यूट्रोफिल नहीं जाएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट ने इसका लाइसिस कर दिया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो सिंपल वाला है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ने उसका लाइसिस कर दिया, पर अगर कॉम्प्लीमेंट फेल हुआ तो हमारी बॉडी में तो इम्यून कॉम्प्लेक्स जाकर हर एक ऑर्गेन में सेटल हो जाएगा, और सेटल होने पे फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इन्फ्लामेशन होगा उधर, हमें वो ऑर्गेन का फंक्शनिंग खराब हो जाएगा, तो फिर न्यूट्रोफिल का काम आता है और न्यूट्रोफिल निकल पड़ता है वो साइट की तलाश में। और जब वो ये साइट की तलाश पे आता है, व्हेन न्यूट्रोफिल गो विद द कीमोटैक्सिस थ्रू द केमिकल्स एंड टुवर्ड्स द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंड आफ्टर गोइंग टुवर्ड्स द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रोफिल रिलीज द लाइटिक एंजाइम। न्यूट्रोफिल लाइटिक एंजाइम रिलीज करता है जिससे एंटीजन एंटीबॉडी का लाइसिस हो जाएगा, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी लाइसिस हो जाएगा और सिर्फ बचेंगे हमारी एंटीबॉडीज, हमारी एंटीबॉडीज बचेंगी और ये एंटीबॉडी वापिस उसका फंक्शन करने ब्लड में चले जाएंगी। तो ये थी आर्थस रिएक्शन इन अ सिंपल वे। हमने देखा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का सिंपलर फॉर्म और एग्जांपल आर्थस रिएक्शन। तो आर्थस रिएक्शन में क्या क्या होता है? व्हेन आर्थस रिएक्शन हैपन मेनली व्हेन वी गेट वैक्सीनेटेड विद डिप्थीरिया वैक्सीन और एनी टिटनस वैक्सीन, दीज आर द इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द वैक्सीन, लाइक टिटनस इज अ इनएक्टिवेटेड टॉक्सॉइड। सो लाइक दिस हैपन, लाइक एंटीजन इम्यून कॉम्प्लेक्स इज देयर and complement cascade and neutrophil, and when these things get settle on the cell, the inflammation is there. So other examples also there of type 3 hypersensitivity are, pehla example hai glomerulonephritis. Student kya hai glomerulonephritis, aur dusra hai rheumatoid arthritis. रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और तीसरा है सीरम सिकनेस। ये तीन और एग्जांपल है, पर आर्थस रिएक्शन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट थी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हम सबको पता है कि जब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स हमारे जॉइंट पे सेटल होगा तो ये पेन करेगा, और ओल्ड पीपल में यही होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और सीरम सिकनेस कब होता है स्टूडेंट, यानी कि कोरोना में बहुत लोगों ने सीरम लिया था जो इम्यून थे, और ये सीरम में प्रोटीन अगर हाई मॉलिक्यूलर साइज का हो जाएगा तो ये बन जाएगा एंटीजन, और हमारी बॉडी उसे एंटीजन समझकर इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगी, और शिवरिंग होगा, फीवर होगा, चिल्स आएगी, यहाँ तक कि हेमोरेज हो सकता है, और इन्फ्लामेशन तो होगा ही। और बचा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये बहुत ही खतरनाक फॉर्म है जिसमें ये इम्यून कॉम्प्लेक्स हमारे ने ग्लोमुलर में जाकर बैठ जाएगा, ग्लोमुलर लाइनिंग में जाकर बैठ जाएगा, और वहाँ पर स्वेलिंग होना, यानी कि किडनी पे प्रेशर आना, एंड इफ देयर इज प्रेशर ऑन किडनी ऑन ग्लोमेरल्स जीएफआर कम होगा, यानी कि ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा और पर्सन की किडनी फेल हो जाएंगी। तो ये था हमारा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल विथ माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।